भारत का चंद्रयान 2 मिशन 48 दिनों में चंद्रमा में पहुंचेगा, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की इस दूरी को तय कर लिया था। वर्ष 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था। ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। ठीक 10 साल बाद 20 जुलाई वर्ष 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद में पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। लेकिन अब बात करते हैं अपने चंद्रयान 2 की कि आखिर इसे एक महीने से ज्यादा का वक्त क्यों लगेगा। इस सवाल का जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में छिपा है। स्पेस में लंबी दूरी तय करने के लिए यान को ले जा रहे रॉकेट की तेज स्पीड और सीधे प्रक्षेपण पथ की जरूरत होती है। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न 5 का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था और इसके अलावा इसमें 43 टन भारवाहक क्षमता भी है। चंद्रमा तक 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिन का वक्त लिया था। हालांकि इसमें आर्थिक पहलू भी है। उस दौर में नासा ने $185 मिलियन की रकम खर्च की थी। इसके उलट भारत ने इतने ताकत पर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बदले इसरो ने सीधे रूट के बजाय एक घुमावदार रूट को चुना, यानी कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लाभ उठाकर ही रास्ता तय किया जाए। चंद्रयान को ले जाने वाला रॉकेट JSLV Mark 3 की वजन उठाने की क्षमता महज 4 टन की है। इसरो ने चंद्रयान मिशन पर महज 978 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसमें से 375 करोड़ रुपए JSLV Mark 3 के निर्माण में खर्च किया गया है। नासा के सैटर्न 5 के मुकाबले यह खासी कम रकम है। अनुमान ये है कि चंद्रयान 2 को चांद पर उतरने में 48 दिन लगेंगे। 2006 में नासा का न्यू होराइजन प्लूटो मिशन चांद पर 8.5 घंटे में पहुंचा। इसके बाद वह प्लूटो की ओर बढ़ गया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी 2004 में स्मार्ट 1 लूनर प्रोब मिशन भेजा था, जिसको चांद पर पहुंचने में 1 साल 1 महीना और 2 हफ्ते लगे थे। चांद पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा या रॉकेट की किस्म के साथ साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है। उसी के हिसाब से चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहेंगे उतना ज्यादा ईंधन लगेगा और उतना ज्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने मिशन के लिए JSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया। वह पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बहुत ही कम शक्तिशाली है, लेकिन इसका खर्चा भी काफी कम है। दरअसल कम शक्ति और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा में बीत जाता है। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है और चंद्रयान 2 भी इसी तरह से चांद पर पहुंचेगा। इसरो के चीफ ने बताया कि चांद तक जाने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे, बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या चांद की परिक्रमा करेगा। दोस्तों, अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है कि अगर कार से चांद पर जाना संभव होता तो कितना समय लगता, तो इसका जवाब है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो करीबन आपको चांद पर पहुंचने में 5.5 महीने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर ईंधन बचत और कम पैसे का है। जी हाँ, रूस ने 34 घंटे में भेजा, नासा ने 4 दिन में और हम 48 दिन में, तो हम लोग एक बचत के माध्यम से चांद की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या इसरो के द्वारा अपनाया गया ये रूट, यानी कि जो घुमावदार रूट है, वो ठीक है या फिर डायरेक्ट चांद पर भेजना सही रहेगा? आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं।